और प्रदेश में नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत हो गई है। सरकार से लेकर अधिकारियों ने मास्क पहनने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन 12 में जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने जनता से ज्यादा जिम्मेदारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय समेत कई विभाग के कार्यालयों के कर्मचारी बगैर मास्क ही ऑफिस आ रहे हैं और भरतपुर में भी यही आलम देखने को मिला है। बाजारों में लोग बगैर मास्क घूम रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब जिम्मेदार ही सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, फिर उम्मीद आखिर किससे की जाए। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार हर स्तर पर जंग लड़ रही है। सरकार लगातार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी कर रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया है ताकि लोग मास्क का इस्तेमाल खूब करें और कोरोना का संक्रमण रुक सके। 12 में कलेक्टर इंद्र सिंह राव ने निर्देश देकर दफ्तर में बिना मास्क के एंट्री पर रोक लगाई, लेकिन अफसोस कलेक्ट्रेट में कर्मचारी ही सरकार की नो मास्क नो एंट्री जागरूकता अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कलेक्ट्रेट कोविड कंट्रोल रूम, रसद विभाग कार्यालय और इसके साथ साथ कुछ अन्य विभाग के कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारी बिना मास्क पहने नजर आ रहे हैं। कलेक्टर इंद्र सिंह राव कहते हैं नो मास्क नो एंट्री जागरूकता अभियान की पालना न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब जब ये नहीं मान रही पब्लिक, इतना करने के बाद, लॉकडाउन लगाने के बाद में, उनके चालान काटने के बाद में, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के लेवल पे तो मैंने लिया कि जो भी मास्क नहीं लगाएंगे उनको कोई भी सर्विसेज नहीं मिलेगी, न तो उसको एंट्री मिलेगी, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो चाहे कहीं हो। तो भरतपुर का भी कुछ यही हाल है। इन तस्वीरों को आप देखिए और आप अंदाजा लगा सकते हैं भरतपुर का प्रशासन कोरोना को लेकर कितना गंभीर है, ये दिखता है क्योंकि ये तस्वीरें कोरोना संक्रमण को खुलेआम दावा दे रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कलेक्ट्रेट में नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर चस्पा कर दिए गए, लेकिन बाजारों में खुलेआम नो मास्क नो एंट्री की धज्जियां उड़ रही हैं। अफसर अपने एसी कमरों से निकलकर बाहर के हालात देखने की जहमत उठा नहीं रहे। सभी सरकारी जो कार्यालय दफ्तरों हैं उनके विभागीय अधिकारियों को जिला प्रशासन की ओर से निर्देशित किया गया है कि प्रवेश द्वार पर ही अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के प्रवेश करता है उसको वहीं पर रोका जाए और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस नो मास्क नो एंट्री अभियान को एक व्यापक जन आंदोलन का रूप देने के लिए एक वीसी की जा रही। भरतपुर जिले में अब तक कोरोना से 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पिछले एक महीने में 4,287 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 4,093 लोग रिकवर हो चुके हैं। वर्तमान में 114 एक्टिव केस हैं और ये लोग अस्पताल में भर्ती हैं। रोजाना 50 लोग औसतन कोरोना से पॉजिटिव यहां पाए जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन बेखबर है। जनता कोविड के नियमों की पालना नहीं कर रही तो जिम्मेदार भी नियमों की पालना नहीं करवा पा रहे। सवाल तो ये कि जिम्मेदार खुद कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है तो भला जनता से उम्मीद क्या करते हैं। सवाल ये भी कि जब सरकारी कर्मचारी खुद नो मास्क नो एंट्री अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हों तो फिर उम्मीद किससे की जाए। बारा से राम मेहता के साथ, भरतपुर से देवेंद्र सिंह, जी मीडिया।